नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान अब इसराइल पर हमला करने जा रहा है। हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान बदला लेने की फिराक में है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान 24 घंटे के अंदर इसराइल पर अब हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज ने भी 24 घंटे में आशंका जताई है, तो अमेरिकी सरकार ने भी आशंका जता दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान इस सप्ताह की शुरुआत में इसराइल पर बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट और सबमरीन भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मिडिल ईस्ट के हालात पर संयुक्त बयान जारी किया है। इन सभी देशों ने क्षेत्र में तनाव कम करने और गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक डील तक पहुंचने के लिए अपना पूर्ण समर्थन जाहिर किया। संयुक्त बयान में कहा गया, जितना जल्दी संभव हो हमने एक डील तक पहुंचने के उद्देश्य से इस हफ्ते के अंत में वार्ता फिर से शुरू करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और कतर के अमीर तमीम के संयुक्त आह्वान का समर्थन किया है। इसमें कहा गया है कि सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, साथ ही गजा तक बिना रुकावट मदद पहुंचाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही पांचों देशों ने ईरानी आक्रामकता और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की रक्षा के लिए अपना समर्थन भी जाहिर किया। ईरान की इसराइल पर हमला करने की धमकी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपनी पारिवारिक छुट्टियां रद्द कर दी और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से बात की और उनसे इसराइल पर हमला करने से बचने का आग्रह किया। लेकिन अब ईरान की तरफ से बयान आया है कि राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के आग्रह को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मामलों के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इसराइल के अपराधों पर किसी भी आपत्ति के बिना इतनी देशों ने ईरान से उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन पर जवाब न देने की निर्दयता पूर्वक मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इन देशों की मांग को दरकिनार करते हुए कहा कि ईरान इसराइल को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा कि ईरान हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को सही और भविष्य की उनकी ऐसे एग्रेशन को रोकने का एक तरीका मानता है। आधिकारिक IRNA न्यूज एजेंसी की मंगलवार की रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से कहा कि एक हमलावर को कठोर जवाब देने का देशों का अधिकार है और यही अपराध और आक्रामकता को रोकने का एक समाधान है। इसके साथ ही पश्चिमी देशों को उन्होंने सुनाया और कहा कि गजा में अभूतपूर्व अमानवीय अपराध और मिडिल ईस्ट में बाकी जगहों पर इसराइल के हमलों के बारे में पश्चिम की चुप्पी गैर जिम्मेदाराना थी और उन्होंने इसराइल को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए प्रोत्साहित किया। ईरान जहां इसराइल पर हमला करने जा रहा है और हमला करने को सही बता रहा है, इस दौरान इसराइल की कैबिनेट में ही आंतरिक युद्ध हो गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट ही आपस में भिड़ गए और टकराव हो गया। योव गैलेंट ने चल रहे युद्ध में हमास पर संपूर्ण जीत हासिल करने के बेन्यामिन नेतन्याहू के लक्ष्य को बकवास कह दिया और खारिज कर दिया। इसके बाद फिर नेतन्याहू के कार्यालय यानी PMO ने गैलेंट को फटकार लगाते हुए बयान जारी किया और कहा कि जब गैलेंट इजरायली विरोधी कानून अपनाते हैं तो वो होस्टेज डील यानी बंधक समझौते तक पहुंचने की संभावना को नुकसान पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने गैलेंट पर इजरायल विरोधी कहानी अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वो फोर्सेज की ताकत और चल रही वार्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमास के मुखिया हानिया की हत्या इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कर दी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद ईरान ने भी बदला लेने की धमकी दे दी है। अपने सहयोगी इसराइल को ऐसी धमकी मिलते देख अमेरिका उसके बचाव में अपने अरब साझेदारों से फिर से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले उसने सऊदी अरब पर लगाया बड़ा प्रतिबंध हटा दिया है। अमेरिका अब सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करेगा। बता दें ये बैन यमन के साथ चल रहे सऊदी अरब के युद्ध में मानवाधिकारों पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने लगाया था, लेकिन अब अमेरिका ने गजा युद्ध को सुलझाने में सऊदी की भूमिकाओं को देखते हुए उसे बड़ी राहत दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं जिसकी भारत ही नहीं दुनिया में निंदा हो रही है। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस आज देश के एक प्रमुख हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी देश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ परिवारों के बीच कोई अंतर नहीं होगा,
हम बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात का हवाला देकर लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय हर किसी की मदद की जरूरत है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई। हालांकि उनके खिलाफ अभी एक किराना दुकानदार की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने फायरिंग की थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में मोहम्मदपुर के किराना दुकान मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी। इस मामले में ही अब बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 अन्य आरोपी भी हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना से सत्ता छीनने के पीछे अपनी भूमिका होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। अमेरिका ने इसे सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करिन जीन पियरे ने कहा, हमारा इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है, ऐसी कोई भी रिपोर्ट झूठी है। इसमें कहा गया है कि हालिया घटनाओं में अमेरिकी सरकार का हाथ है, सब अफवाह है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घटना की जांच कर रही पुलिस को बुधवार की सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य ने यह फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की 3 दिनों की यात्रा समाप्त हो गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चीन से नजदीकी जाहिर होने के बाद ये भारत के किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा थी। एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में मालदीव में यूपीआई से पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मालदीव की 28 द्वीपों में पानी और सीवेज लाइन के लिए क्रेडिट लाइन विकसित करेगा, ये डन हुआ। इसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और चीन को बड़ा झटका माना जा रहा है। नोएडा के नैनीताल बैंक में हैकिंग कर 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड में गाजियाबाद के सीए पर कार्रवाई की गई है। इस सीए का काम बैंक से उड़ाई गई रकम को शेल कंपनियों के जरिए वाइट करना था। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद में एक सीए के ऑफिस पर छापा मारा। वहां से आरोपी तो भाग निकला, लेकिन इस फ्रॉड में शामिल उसका भाई पकड़ा गया। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष हर्ष वंशल के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल भी इस मामले में आरोपी है और वो फरार है। दोनों ने फर्जी फर्में बनाई और बैंक के सर्वर को हैक करने के बाद अपने खातों में पैसे ट्रांसफर किए। जालसाजों ने नोएडा में नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर 16.50 करोड़ रुपए चुराए, कई खातों में पैसे ट्रांसफर किए। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर बिहार में सियासी खेल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां कुनबा मजबूत करने को तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर रही हैं। इस बीच सोमवार को कई नेता लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। बताया गया कि बीजेपी, जेडीयू और बीएसपी के नेता आरजेडी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लौट आए हैं। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क को लाइव इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू तय वक्त से थोड़ी देर पर शुरू हुआ। इसके लिए मस्क ने साइबर हमले को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे अनौपचारिक इंटरव्यू बताया जो खुले दिमाग वाले स्वतंत्र मतदाताओं की मदद करेगा। एलन ने बातचीत की शुरुआत ट्रंप की हत्या की कोशिश वाली घटना से की। अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बात करने से पहले ट्रंप हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह सुखद तो बिल्कुल नहीं था। एलन मस्क को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने तमाम मुद्दों पर बात की। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर भी बोले। उन्होंने कहा कि हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद से ऐसे इंटरव्यू नहीं दिए जैसे वो अभी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बाइडेन ना होते तो रूस यूक्रेन पर हमला न करता। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।